प्रदेश भर के सभी जिलों में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सत्र 2024-25 में अगर कोई भी स्कूल जिनके पास शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता नहीं है, वो बच्चों का दाखिला नहीं कर सकते, और अगर बिना मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था बच्चों का दाखिला करती है तो उनके खिलाफ नियम अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं। ये निर्देशित किया गया है हमें विभाग द्वारा कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनके पास विभाग की तरफ से कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके विरुद्ध जो है हम सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से सूचना ले रहे हैं, और उन सभी को स्थानीय और एक राष्ट्रीय स्तर के अखबार में हम उनके नाम प्रकाशित करेंगे और सभी अभिभावकों को, समाज को इस बारे में बताया जाएगा कि ये गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला ना करवाएं, क्योंकि इस सत्र में भी जो है जो अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको भी अंतिम अवसर दिया गया है कि वो या तो अपनी फीस जमा कराएं, बॉन्ड भरें, एश्योरेंस राशि दें और उसके बाद वो मान्यता प्राप्त करें। तो विभाग हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि बच्चों को एक उचित शिक्षा मिले और उचित माध्यम से मिले। इसके साथ ही गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और संस्थानों से भी अपील की गई है कि वो सरकार द्वारा निर्धारित फीस जमा करवा कर अपने स्कूलों की मान्यता लेने के बाद ही बच्चों का दाखिला स्कूलों में करें। गौरतलब है कि प्रदेश भर में चल रहे बिना मान्यता के स्कूलों के मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी याचिका की सुनवाई के बाद सरकार को स्कूलों के संबंध में हलफनामा देकर स्थिति स्पष्ट किए जाने के आदेश दिए, जिसके बाद से ही शिक्षा विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।